अधिकारी महोदय अलग अलग विभागों से पधारे हुए हमारे अधिकारियों कर्मचारियों गांव ढाणी से पधारे हुए में पिता तुल्य नागरिकों ज्योति स्वरूप माताएं हम उनके दोस्तों इतिहास में पहली बार कोटड़ा की पावन धरा पे आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं, उसमें हमारे लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। दोस्तों ये आदिवासियों का सर्वे 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रसंघ यूएनओ ने किया था, जिसमें अधिकारियों हमारे आदिवासियों को अधिकार दिए गए थे। लेकिन उससे पहले ही हमारे संविधान के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1952 में ही हमारे को अधिकार दिए गए थे। लेकिन हम अनपढ़ होने की वजह से न तो हमारे अधिकारों का उपयोग किया और न ही हमने आरक्षण का पूरा पूरा लाभ उठाया। अब हम पढ़े लिखे हैं, अब हम अधिकार का मांग करते हैं, सरकारी योजनाओं की मांग करते हैं, हमारे अधिकार क्या है आरक्षण की मांग करते हैं। दोस्तों जब तक घूम पट लिख करके होशियार नहीं होंगे तब तक हमारे को कोई अधिकार नहीं देगा। अधिकार के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, प्रजातंत्र में आंदोलन करने पड़ते हैं जब तक अधिकार मिलते हैं। संगठन में रहता है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कानून पारित किया था, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा में गांव के लोग अपनी ग्राम सभा बना करके कोई भी निर्णय लेते हैं तो सरकार को और कोर्ट को भी मानना पड़ता है। लेकिन हमारी जानकारी के अभाव में हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें गांव-गांव में ग्राम सभाएं बनाने का समय आ गया है। समय इसलिए आ गया है कि हमारे पुरखों से रहने वाले आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, लेकिन अभी अभी जमीन की कमी होने की वजह से आजादी के बाद में जब जंगलात रेवेन्यू का बंटवारा हुआ उसके बाद में जब जनसंख्या बढ़ी तो आदिवासियों को तंग किया जा रहा है। हम सबको मिल सकते हैं और शांति से हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता है। पेशा एक्ट के अंतर्गत हम अधिकार मांग सकते हैं। अभी अभी फुलवारी की नाल में कई घर बेरोजगार किए गए, लेकिन जब हमारे उपखंड अधिकारी जैसी जाकर मौके पर पहुंचे, हम लोग भी मौके पर पहुंचे, जब उनको संबंधित अधिकारी से बात की तो उसने भी अपनी भक्ति महसूस की और उनको प्रखंड से मना कर दिया। दोस्तों इस प्रकार से हमें यदि इस कानून को हम कहीं करने की आवश्यकता आदिवासी समाज में क्यों पड़ी? देर पत्थर की आवश्यकता आज नहीं, देर पत्थर की आवश्यकता 1500 ईस्वी से पहले जब राजा महाराजाओं का शासन था। राजा महाराजाओं के टाइम से जब छोटी छोटी रियासतें होती थी, छोटी छोटी रियासत में कोई मर्डर करके या चोरी करके एक रियासत से दूसरी रियासत में चला जाता था, उस अपराधी को पकड़ नहीं सकते थे। जबकि आदिवासी समाज गुजरात और राजस्थान की सीमा पे रहता है, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है, वो उसके अपराधी को पकड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपना एक उनको डराने के लिए कोई मर्डर नहीं करे इसके लिए उन्होंने अपना एक अपने स्तर पे कानून बनाया जिसको देर प्रथा कहते हैं। तो मैं आपको उदाहरण कोटड़ा की धरती का दूंगा। बूढ़ा का एरिया कोटड़ा के निचली साइड में था और कोसीला का एरिया कोटड़ा के थोड़ा सा नीचे था। यदि यहाँ का बैंड, यहाँ का मर्डर करने वाला आदमी यदि वहाँ शांत से दिखता, लेकिन छोटी छोटी रियासतें होने के नाते उस अपराधी को, उस चोर को, उस बदमाश को पकड़ नहीं सकते थे। इसलिए घोटाला पत्थर की इसलिए कि हमारा आदिवासी समाज होने के नाते हमारी शादी ब्याह करना पड़ता था, वहाँ बहन सुरक्षित रहे, हमारा भाई सुरक्षित रहे, इसलिए कानून बनाया गया। उस कानून को आज व्यवसाय उद्धारण किया। मैं भी मानता हूँ इस बात को, मेरा आदिवासी समाज भी मानता है। आजादी के बाद में हमें संविधान में रहना पड़ेगा। संविधान को हमारे पुरखों ने बनाया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए संविधान बनाया है। इसलिए संविधान में रह करके संविधान की सम्मान करते हुए इंश्योरेंस जब बनता है तो हमको इंश्योरेंस की बात भी करनी पड़ेगी। और यही बात शिक्षा की, हमारे भाई कहते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हमारे बच्चे भी पढ़ा लेते हैं लेकिन रुपये नहीं है इसलिए हम पढ़ा नहीं पाते हैं।
दोस्तों, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी समाज का सदस्य होने के नाते मैं दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट की स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आदिवासी को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। छोटा मोटा खर्चा आता है, इतना खर्चा तो आप एक दिन में कर देते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा संकट कैसे कह रहा है, दिन में खर्चा हो जाता है। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अपने घर से एक फावड़ा आ गया, और जब फावड़ा आ गया और ये कुक कुक करने वाले को अपन लेने जाते हैं तो रुपए लगते हैं 500-600, और कमजीरा के रुपए लगते हैं 1000-1500। कुल मिलाकर के 2000 का खर्चा हो जाता है एक पामने के लिए। इसलिए अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए पामने के बजाय यदि 2-3 हजार रुपए खर्च करेंगे, अपना बच्चा पढ़ेगा तो खुद भी सुधरेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, तहसील का नाम रोशन करेगा, अपनी माली हालत ठीक होगी। और जब तक हम पढ़ लिख करके होशियार नहीं होंगे, तब तक हमारे अधिकार भी मिलने ठीक नहीं है। और यदि सरकारी योजना हमको मिल भी गई तो उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे इस मौके पे आप लोगों ने सुना, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मुख्य अतिथि साहब का और जिला जिस महोदय का और एसडीओ साहब का तहे दिल से सम्मान करता हुआ, तहे दिल से धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय राजस्थान, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कमला शंकर जी का। एक बार जोर से बोलेंगे जय आदिवासी, जय आदिवासी। मेरी आवाज